वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का वीडियो लेके आया हूँ। अब से जो जीके होगा वो टॉपिक वाइज कराएंगा, जो टॉपिक्स अभी तक मैंने कराए नहीं हैं उसको जीके टॉपिक वाइज यूज़ में करा दूंगा, यानी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है यह सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है, जिसका ये फर्स्ट वीडियो है। तो अब आपको टॉपिक वाइज ज्योग्राफी में कराया जाएगा। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा से आपके एग्जाम्स में नेवी एमआर में क्वेश्चंस कभी काल तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। और जीके मैंने महाकुंभ जो करा रखा है, तीन वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर इंटरवल पे रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन महासागरीय तरंग, चक्रवात, ज्वार भाटा या उपसागरीय भूकंप। तो देखिए, जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है वो ज्वार भाटा के व्याख्या करता है। यह तरंग जो माध्यम में एक नियत वेग से ही आगे की तरफ बढ़ती है, अर्थात इन तरंगों का वेग नियत रहता है। इन तरंगों में सभी कणों का आयाम जो है समान रह होता है। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, उसका भी आयाम समान रहता है। तो यह एक मतलब ये कोई टेस्ट नहीं है, यह आप लोगों को टॉपिक को कवर कराया जा रहा है एमसीक्यू फॉर्म में। चलिए ये मत सोचे कि आपका इसमें मार्क्स मत देखिएगा, बस इसको मैं आज अपने सिलेबस में इंक्लूड कर रहा हूँ आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जी बी ईयरी, विलियम वेवेल, लाप्लास या डेविस। तो याद रखिए, जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम वेवेल ने किया था। कब किया था? 1833 ईस्वी में किया था। इस ईस्वी में शायद एक चार्टर एक्ट भी आया था, इसी ईस्वी में इन्होंने किया था। और इनके सिद्धांत के अनुसार ज्वार लहर के रूप में आते हैं। ज्वार कैसे लहर के रूप में आते हैं? तथा ज्वार लहर चंद्रमा की गति के अनुरूप पूर्व से पश्चिम की को अबाध रूप से गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। धरती पर स्थित सागरों महासागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा की घटना केवल सागर पर लागू नहीं होती, बल्कि उन सभी चीज़ों पर लागू होती है जिन पर समय एवं स्थान के साथ परिवर्तनशील गुरुत्व बल लगता है। जैसे ठोस जमीन पर पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशील ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वृहद ज्वार, आवापाती ज्वार, लघु ज्वार या दैनिक ज्वार। तो अमावस्या या पूर्णिमा और नए चांद के समय चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में आ जाते हैं, उस समय एक बहुत अधिक मान का गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है जो कि स्प्रिंग टाइड कहलाता है। स्प्रिंग टाइड यानी बृहद ज्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैनिक ज्वार के मध्य
समयांतर होता है। तो दैनिक ज्वार के मध्य समयांतर होता है 12 घंटे 16 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 32 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट। तो याद रखिए, स्थान पर दैनिक ज्वार, जो स्थान पर दिन में केवल एक बार ज्वार आता है, दैनिक स्थान पर दिन में केवल एक बार ज्वार आता है उसे दैनिक ज्वार कहते हैं। दैनिक ज्वार है 24 घंटे 52 मिनट के बाद आता है। मैक्सिको की खाड़ी और फिलीपीन द्वीप समूह में दैनिक ज्वार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्राय कितने समय के बाद आता है। पहला ऑप्शन 12 घंटा 16 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट या 24 घंटे 26 मिनट। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए कराया जा रहा है। सेमी ड्यूरनल, जिसका नाम है अर्ध दैनिक ज्वार, जब किसी स्थान पर दो बार 12 घंटे 26 मिनट में ज्वार भाटा आता है तो इसे अर्ध दैनिक ज्वार भी कहते हैं। याद रखिए, अर्ध दैनिक ज्वार का मतलब है 12 घंटा 26 मिनट के बाद आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है। वृहद ज्वार, सर्वोच्च ज्वार, विश्वतरेखीय ज्वार या पेरिजियन। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है तो ऐसी स्थिति में आने वाली ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं। महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटाए किसके कारण होते हैं। सूर्य और गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। यानी सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल, तीनों ही इसका प्रमुख कारण है समुद्र में ज्वार भाटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो इसका ऑप्शन डी यानी 1, 2 और 3 यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लेवल हाई है पर इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, इसलिए इसको ऐड किया गया है। ऐसे आपके एग्जाम्स में नहीं आते हैं नेवी एमआर इस टाइप के क्वेश्चन, बट यहाँ से जो नॉलेज मिलेगा उस नॉलेज पे एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कथन कहा गया है, देखिए, किसी स्थान पर प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी की लघु ज्वार आता है। ये जो इसका कथन है और उसका कारण दिया गया है, इस दिन सूर्य और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होती है, क्या यही उसका कारण है जो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, कथन ए, उसका क्या यह सही कारण है। तो चलिए, इसका मैं आपको डायरेक्ट जवाब बताता हूँ। हाँ, एकदम बिल्कुल सही है। किसी स्थान पर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को लघु ज्वार आता है, और उसका कारण क्या है। कारण यह है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं। तो यह आपको बस ज्ञान देने के लिए है, ना कि टेस्ट लेने के लिए। तो याद रखिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृहद ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है, कारण क्या है। इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं, क्या इसका सही कारण है। वृहद ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या को आता है, चलिए आप बताइए। हाँ, वृहद ज्वार जो है प्रत्येक महीने के अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है। इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं, यानी दोनों इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब बताना है आपको कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी भी स्थान पर दो ज्वारों के बीच के समय 12 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है। पहला ऑप्शन,
लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो वृहद ज्वार आता है या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो कथन है, यह चारों कथन राइट है, यानी किसी भी स्थान पर दो ज्वारों के बीच के समय का 12 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है। लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो उस समय बृहद ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, फरी की खाड़ी, उत्तरी सागर। देखिए ये सब क्वेश्चन करके अपने आप में खुशी मिलेगी आप लोगों को, हाँ कुछ तो आज पढ़ा, कुछ आज सीखने को मिला इस क्लास से। तो वीडियो के बाद में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हेल्पफुल रहा या नहीं रहा आपके लिए यह वीडियो, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। काफ़ी सारी नॉलेज इस वीडियो से मैं आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा। विश्व के सबसे ऊँचा ज्वार कहाँ आता है, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ये कहाँ है फंडी की खाड़ी? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए के पूर्वी तट पर फंडी की खाड़ी, अंटार्कटिक महासागर, सेंट लॉकेस की दक्षिण खाड़ी के दक्षिण में है। यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वार आता है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वार, ऊंचा ज्वार आता है वो फंडी की खाड़ी में होता है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? सूर्य की, पृथ्वी की, चंद्रमा की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा की होती है। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशील ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण आपको यहां से पता चल गया। लघु ज्वार, बृहद ज्वार, बहुत चीज़ आपको पता चल गया, दीर्घ ज्वार, ये सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज मिल गया इस कंप्लीट यानी 10 से 12 मिनट के वीडियोस में। आपको जो 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स था मैंने सब आपको बता दिया। ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक्स पे आपके लिए क्लासेस आएंगे कभी काल, तो उन क्लासेस को देखिएगा। इसका मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा जीके टॉपिक वाइज बोल के, या कुछ अच्छा नाम रख के इसका प्लेलिस्ट में बता दूंगा। नाम आप लोग सजेस्ट कर दें क्या प्लेलिस्ट में इसका नाम रहना चाहिए बस। और क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं, इस क्लास से क्या आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, यह सीरीज़ क्या मैं कंटिन्यू करूं, बस आप लोग बताइए। आप लोग बताएंगे तो सीरीज़ कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।